हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और प्यारे बच्चों, जो आपकी वर्कशीट्स आई हैं उनमें आपकी इंग्लिश मीडियम में असेसमेंट वर्कशीट वो नहीं डाली गई है, केवल हिंदी मीडियम में वर्कशीट जो है वो डाली गई है, ठीक है। इसीलिए आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट जो है वो नहीं है असेसमेंट वर्कशीट। मैंने आपके लिए जो हिंदी मीडियम की वर्कशीट है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड मैं करा रही हूँ। तो जो आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है उसी को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, 10 MCQs क्वेश्चंस हैं। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन 1801 अवध वाज इम्पोज्ड ऑन, 1801 में अवध के ऊपर जो है क्या इम्पोज किया गया था। ऑप्शन ए सब्सिडरी ट्रीटी, ऑप्शन बी ग्रैब पॉलिसी, ऑप्शन सी है वॉर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो अवध के ऊपर 1801 में सब्सिडरी ट्रीटी को इम्पोज किया गया था। फर्स्ट जो है ए, फर्स्ट का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, अ यंग सोल्जर इन बैरकपुर रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ऑफिसर्स। एक यंग सोल्जर्स कौन थे जिन्होंने बैरकपुर में अपने जो ऑफिसर्स थे उन्हीं के खिलाफ जो है रिबेल कर दिया था। सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहेब, डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, वेयर डिड बेगम हज़रत महल टेक एन एक्टिव पार्ट इन प्रमोटिंग द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। बेगम हज़रत महल, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल में कहाँ एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए आपको दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में जो बेगम हजरत महल है उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मुगल एम्परर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ द रिबेल सोल्जर्स। कौन से मुगल एम्परर हैं जिन्होंने जो सोल्जर्स रिबेल कर रहे थे 1857 में उनको जो है लीड किया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, एंड ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो उनके जो नेतृत्व की मांग थी उसको उन्होंने स्वीकार किया था, वो थे बहादुर शाह जफर। डी जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। कौन से जो रूलर्स थे जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट था बिहार में उसको जो है लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। अहमदुल्ला शाह, नाना साहेब, कुंवर सिंह, या अवंती बाई लोधी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश ने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। ऑप्शन ए बाय फोर्स, ऑप्शन बी अनाउंसमेंट ऑफ रिवार्ड फॉर द फेथफुल लैंड ऑनर, जो फेथफुल लैंड ऑनर थे उनके लिए रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट करके, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सी, दोनों ही तरीके से उन्होंने रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट था उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की थी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज। जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो किस में जो है बदल दी गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड में, ऑप्शन बी वायसराय, ऑप्शन सी एम्परर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो उसको जो है वायसराय कंसिडर किया जाने लगा था, जो ओहदा है वो बदल कर क्या हो गया था, वायसराय जो है वो कर दिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो रिवोल्ट था उसका रिजल्ट क्या रहा? ऑप्शन ए द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी गेट रिड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है, इंडियन सोल्जर्स का जो प्रपोर्शन था वो आर्मी में कम कर दिया गया। बी इंक्रीज द नंबर ऑफ गोरखा सिख पठान सोल्जर्स, जो गोरखा सिख पठान सोल्जर्स थे उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया था। ऑप्शन सी ऑल द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश एम्पायर, जो भी राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो जो है ब्रिटिश एम्पायर को हैंडेड ओवर कर दिए गए थे। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो है रिजल्ट रहे थे 1857 के, ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए आपको 9 और 10 जो है दोनों ही आपकी टू स्टेटमेंट्स गिवन है, एक आपको एसर्सन दिया गया है एक रीज़न है, रीड देम केयरफुली एंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव पेन पे एंड जो है सर्कल को आपको फिल करना है गिवन द अगेंस्ट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसर्सन दिया गया है आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू वर्क फ्रीली, 1830 के बाद जो है कंपनी ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको फ्रीली काम करने का जो है राइट दे दिया था, तो बिल्कुल ठीक है उन्होंने राइट दिया था। रीज़न क्या है क्यों दिया था? इन 1850 अ न्यू लॉ वाज मेड विच मेड इट ईजियर टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, 1850 में एक लॉ जो है वो लेकर आए थे जिससे कि जो क्रिश्चियनिटी है जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको अडॉप्ट करना इजी हो गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसमें होता है क्या कि असर्सन और रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्सन की, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, 9th का आंसर क्या रहेगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ आपको यहाँ पे असर्सन दिया गया है इन 1824 द सोल्जर्स रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय सी, 1824 में जो सोल्जर्स थे उन्होंने बर्मा सी के रास्ते समुद्र के रास्ते जाने से मना कर दिया था, बिल्कुल ठीक है मना कर दिया था। क्यों मना किया था? बिकॉज मैनी पीपल बिलीव्ड दैट देयर रिलीजन एंड कास्ट वुड बी द करप्टेड बाय सी ट्रेवल, कि वो मानते थे कि अगर उन्होंने समुद्र को लांग कर गए तो उनका रिलीजन उनका धर्म और उनकी जाति जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें देखिए जो असर्सन है वो भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पर दी गई है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जिसके अंदर क्या है कि असर्सन और रीज़न जो है दोनों करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन की, ठीक है। बी कब होता है? जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती। सी कब होता है? जब असर्सन ट्रू होता है जबकि रीज़न फॉल्स होता है। और डी होता है जब असर्सन फॉल्स है लेकिन रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे जो है इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।